नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 25 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड के छात्र अब जूते मोजे पहनकर दे सकेंगे परीक्षा। बिहार के कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बाकरगंज सोना लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिहार में 15 फरवरी तक चलेगी धान की खरीदारी की प्रक्रिया। बिहार के एसडीएम के प्रधानमंत्री मोदी भी हुए फैन, की काम की सराहना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड के छात्र अब जूते मोजे पहनकर दे सकेंगे परीक्षा। बिहार में जारी ठंड के सितम को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड ने अगले महीने से शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत बोर्ड ने यह साफ किया है कि 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षाओं में छात्र अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि इससे पहले बोर्ड ने यह साफ निर्णय जारी करते हुए छात्रों को चप्पल में ही परीक्षा देने का ऐलान किया था, लेकिन अब इस संबंध में नया नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी छात्र अभिभावक डीईओ के साथ नोडल अधिकारियों को दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाली है। आज बिहारी वर्ष में स्पेशल में हम बात करेंगे विशाल आदित्य सिंह की। विशाल आदित्य सिंह का जन्म आज ही के दिन बिहार के आरा जिले में हुआ था। विशाल आदित्य सिंह एक भारतीय मॉडल और अभिनेता है। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 2011 में टेलीविजन धारावाहिक चंद्रगुप्त मौर्य से की। उन्होंने टीवी धारावाहिक बेगूसराय में लखन सिंह की भूमिका के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की। विशाल ज्यादातर समय अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड मधुरिमा तुली को लेकर बहुत चर्चा में थे। दोनों की जोड़ी बहुत लोगों को पसंद आई थी। लोगों ने दोनों को प्यार से विरिमा सनिक नेम भी दे दिया था। हालांकि बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। साल 2021 में एक बार फिर से विशाल का नाम चर्चा का विषय बना रहा, जिसका मुख्य कारण उनका खतरों के खिलाड़ी 11 में हिस्सा लेना रहा। लोगों को ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया, हालांकि वो शो में तीसरे नंबर पर रहे थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने निकाली रिक्तियां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पोस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिस, तकनीशियन अप्रेंटिस से ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 150 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें ईसीई, ईईई, सीएसई, मैकेनिकल, केमिकल, अकाउंट्स, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट rcilab.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में मिले COVID-19 के 2000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1821 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 14000 से ज्यादा पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 25, अरवल में 19, औरंगाबाद में 25, बांका में 29, बेगूसराय में 113, भागलपुर में 185, भोजपुर में 20, बक्सर में 45, दरभंगा में 32, ईस्ट चंपारण में 81, गया में 19, गोपालगंज में 43, जमुई में 26, जहानाबाद में 1, कैमूर में 17, कटिहार में 49, खगड़िया में 5, किशनगंज में 14, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 50, मधुबनी में 8, मुंगेर में 61, मुजफ्फरपुर में 67, नालंदा में 18, नवादा में 13, पटना में 224, पूर्णिया में 120, रोहतास में 27, सहरसा में 103, समस्तीपुर में 102, सारण में 43, शेखपुरा में 7, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 16, सिवान में 13, सुपौल में 7, वैशाली में 68, वेस्ट चंपारण में 92 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 20 ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके सैंपल दूसरे राज्य से कलेक्ट किए गए थे, लेकिन इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,05,268 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 4,829 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों ने जमकर काटा बवाल, ट्रेन रद्द और हुई बाधित। एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली की शिकायत बीते दिनों से छात्र लगातार कर रहे हैं। आरआरबी ने एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा का परिणाम जारी किया, जिसको लेकर छात्रों में गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि उनका यह विरोध बीते दिन आक्रोशित होता दिखाई दिया, जब एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली की शिकायत को लेकर राजधानी पटना में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित छात्रों ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जमकर हंगामा किया। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तेजस और मालगाड़ी को रोके रखा। पटना के अलावा आरा रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने हंगामा मचाया। छात्रों के हंगामे के बाद पटना राजधानी सहित कई ट्रेनें प्रभावित हुई। दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव रेलवे ने किया। वहीं राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना जंक्शन में प्रस्थान करने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। इसके साथ ही छात्रों को वहां से भगाने के लिए आंसू गैस भी छोड़े गए और लाठीचार्ज भी किया गया।
में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बिहार में बीते दिन कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला देखने को मिला। गृह विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। विभाग की माने तो जिन आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें से ज्यादातर 2009 और 2010 बैच के आईपीएस हैं, जिसके तहत ही 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी नवीन चंद्र झा को बीएमपी 9 जमालपुर का समादेष्टा बनाया गया है। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद को बीएमपी 14 के समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार को पटना का नया ट्रैफिक एसपी, आईपीएस अधिकारी वीना कुमारी को बीएमपी 4 और 18 का अतिरिक्त प्रभार, सैशव यादव को बीएमपी 13 दरभंगा का प्रभार, वहीं विद्यासागर को पुलिस अधीक्षक। इसके अलावा 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को राज्य अग्निशमन पदाधिकारी सह निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बाकरगंज सोना लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हाल ही में पटना के बाकरगंज सोना मंडी में दिनदहाड़े करीब 14 करोड़ के सोना लूटकांड चोरों ने अंजाम दिया था, जिसमें ही अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिसके तहत ही एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि पटना के संपतचक से लूट का 9 किलो सोना बरामद कर लिया गया। साथ ही लूटकांड में अब तक 5 आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना के बाकरगंज सोना मंडी में दिनदहाड़े लूट के बाद से ही सराफा कारोबारियों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा था, जिसके बाद ही अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी महीने में 2 बार अपराधियों ने दुकान की रेकी की थी, उसके बाद ही घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से ही जहानाबाद के आभूषण कारोबारी के बेटे का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। परिषद चुनाव में वोटिंग के लिए आयोग ने लिया ये फैसला। बिहार में जल्द ही विधान परिषद चुनाव का आगाज होने वाला है। हालांकि चुनाव का आयोजन कब होगा इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो साझा नहीं की गई है, लेकिन चुनाव में वोटिंग को लेकर आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत इस बार आयोग ने प्रमाण पत्र के बदले जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी आईडी कार्ड के आधार पर मतदान कराने का फैसला किया है। जिसके बाद ही पटना जिला स्थित निर्वाचन कार्यालय में आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद ही अब उम्मीद है कि चुनाव की बदली प्रक्रिया से स्थानीय निकाय से होने वाले विधान परिषद के चुनाव की बदनामी कम होगी। जानकारों की माने तो अगर के आधार पर मतदान होगा तो पुराने तर्ज पर मतदाताओं के निर्वाचन प्रमाण पत्र खरीद कर इत्मीनान से बैठे उम्मीदवारों को घाटा उठाना पड़ेगा। नई व्यवस्था में खरीदे गए ये प्रमाण पत्र रद्दी हो जाएंगे। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 का प्रवेश पत्र बीते दिन जारी कर दिया, जो कि सभी स्कूलों में पहुंच चुका है, जिसके बाद अब परीक्षार्थी स्कूल में प्रवेश पत्र ले सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा में 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंटर परीक्षा समाप्त होने के 4 दिनों बाद मैट्रिक परीक्षा शुरू की जाएगी। इसके पहले मैट्रिक परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन 20 से 22 जनवरी तक हुआ है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ऐच्छिक विषय की प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन आयोजित की गई थी। बिहार में 15 फरवरी तक चलेगी धान खरीदारी की प्रक्रिया। बिहार में धान की खरीदारी का काम जोर शोर से किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक बिहार सरकार की तरफ से करीब 27 लाख टन धान खरीद हो चुकी है, लेकिन बिहार में 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य है। ऐसे में ही अब लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही बिहार सरकार ने धान खरीदारी के काम को 15 फरवरी तक जारी रखने की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो बिहार राज्य खाद्य निगम को मिलों से करीब 6 लाख टन तैयार चावल की आपूर्ति हो चुकी है, जिसकी कीमत 1806.91 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं इसके एवज में 1354.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी जिलों में धान खरीद के बेहतर इंतजाम में जिलाधिकारी लगे हुए हैं। बिहार में अगले 48 घंटे बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। बिहार में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका लगातार जताई जा रही है। ठंड का सितम होने के बावजूद लोगों को बारिश की मार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि चिंता की बात यह है कि अभी बिहार वासियों को ठंड से राहत मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटे हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार है। जहानाबाद, नवादा, भोजपुर और सारण में ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 25 जनवरी बिहार में लगातार होने वाली बारिश और बादलों के छाए रहने की वजह से रात के पारे में इजाफा और दिन के पारे में कमी बरकरार रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि बिहार में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। एवं प्रबंधन समिति का जल्द होगा गठन। बिहार में सभी जिलाधिकारियों को पंचायती राज विभाग ने बीते दिन ग्राम पंचायतों के सभी वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन जल्द करने का निर्देश दिया है, क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समितियों को कई जिम्मेदारियां मिली हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही पंचायती राज विभाग ने जिलों को कहा है कि कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुए समितियों का गठन कराया जाएगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,11,000 के करीब वार्ड है। इससे पहले वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन 15 जनवरी तक कराने का निर्देश जिलों को दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने से समितियों के गठन का कार्य बाधित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ही सभी जगहों पर इसका गठन नहीं हो पाया है। इसी को लेकर नए सिरे से निर्देश दिया गया है कि सभी वार्डों में उक्त समितियों का गठन अनिवार्य रूप से करा दिया जाए।
सीरीज बुलेट पेन में दिखाई देंगे सासाराम के मनोज। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिसका प्रमाण आपको समय समय पर मिल ही रहा होगा। इसी कड़ी में बिहार का एक और सितारा अब बिहार का मान बढ़ाने वाला है, जिसके तहत वेब सीरीज बुलेट पेन में जल्द ही बिहार का लाल और सासाराम के रहने वाले मनोज नजर आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनोज खुद सासाराम के चेनारी थाना के नरौला गांव के रहने वाले हैं और मुंबई में रहकर अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर रिलीज वेब सीरीज बुलेट पेन की चर्चा अभी से ही खूब हो रही है। इसमें ही मनोज कुमार राव मुख्य भूमिका में है। मनोज बताते हैं कि गांव में होने वाले नाटकों में अभिनय के दौरान फिल्मों से लगाव हुआ। सासाराम के मनोज कुमार राव साधारण मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। 11 करोड़ के पार हुआ कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बिहार में इन दिनों जोर शोर से चल रही है। यही कारण है कि बिहार हर दिन के साथ अपने नाम नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी बीच बिहार ने अब 11 करोड़ के वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर लिया है, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्यवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छा शक्ति के अलावा लोगों की जागरूकता और सक्रियता के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की कठिन मेहनत से राज्य में यह सफल मुकाम हासिल हुआ है। कोरोना के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। इसका परिणाम है कि जहां कोरोना जांच की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों के टीकाकरण में भी तेजी लाई जा रही है। बिहार के धीरज को पीएम मोदी ने दिया वीरता का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के वीर सपूतों को वीरता का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समर्पित किया, जिसमें से एक नाम बिहार के धीरज का भी रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। पीएम मोदी से बातचीत में धीरज ने बताया कि वो भैंस नहलाने गए थे, तभी भाई को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। धीरज ने यहां जान की परवाह न करते हुए भाई को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। इस पर ही जब पीएम मोदी ने पूछा कि आपका पसंदीदा सुपर हीरो कौन है, इस पर धीरज ने किसी का नाम नहीं लिया, जिसके बाद पीएम ने कहा कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति का उपयोग करते हैं तो किसी की जिंदगी बचाते हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। रेलवे बिहार में बनाएगा 8 डेटा सेंटर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्थानीय स्तर पर होने वाले डिजिटल या ऑनलाइन कारोबार अब आसान होने वाला है, क्योंकि भारतीय रेल की तरफ से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए 8 डेटा सेंटरों की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठा रही है, जो कि रेलवे रेलटेल पटना, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, सिवान, सोनपुर और समस्तीपुर में इसकी स्थापना पीपीपी आधार पर करेगा, जिससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पहली बार तो इस डेटा सेंटर के बन जाने से ऑनलाइन कम्युनिकेशन में डाटा की खपत भी कम होगी और वो सहजता से उपलब्धता भी होगी। इसके अलावा अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीक आधारित सेवाओं तक पहुंच बनाने में सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी आसानी होगी। साथ ही हॉटस्टार या यूट्यूब जैसी स्ट्रीमिंग सेवाएं कारोबार के रूप में कम खर्च में स्थानीय स्तर पर स्थापित हो पाएंगी। परिवहन विभाग ने 3 डीटीओ का किया स्थानांतरण। बिहार में बीते दिन पहले तो कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, वहीं कुछ समय बाद ही परिवहन विभाग में अफसरों का ट्रांसफर भी बीते दिन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 3 जिलों के डीटीओ का बीते दिन ट्रांसफर हुआ। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बेतिया के जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह को बेगूसराय डीटीओ बनाया गया है, जबकि सहरसा के जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मधुबनी डीटीओ के पद पर पदस्थापित किया गया। वहीं मधुबनी के जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुजफ्फरपुर का डीटीओ बनाया गया है। 26 जनवरी को लेकर भारत नेपाल के बॉर्डर पर बढ़ा दी गई पेट्रोलिंग। 26 जनवरी को लेकर बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर ही भारत नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। आलम कुछ यूं है कि बीते दिन से ही सीमा पर सभी थाना ओपी एसएसबी कंपनी और बीओपी को नियमित तौर पर बॉर्डर पेट्रोलिंग जांच और तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। एसएसबी के 56वीं और 52वीं बटालियन के अधिकारियों और पुलिस के अपने जवान कई स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। संदेह होने पर आने जाने वाले कि उनके आई कार्ड की पड़ताल भी की जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने इलाके में सतर्कता बरतने और संदिग्ध पर नजर बनाए रखने के निर्देश मिले हैं। बिहार के इस डीएम के प्रधानमंत्री मोदी भी हुए फैन, की काम की सराहना। बिहार के कई जिलाधिकारियों ने अब तक कई सराहनीय काम किया है। इसी बीच एक और जिलाधिकारी की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इस जिलाधिकारी की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। जिस महिला जिलाधिकारी को पीएम मोदी की तारीफ मिली है, उनका नाम है इनायत खान। पीएम मोदी ने देश के आकांक्षी जिलों में शामिल बिहार के शेखपुरा जिले के पिछड़ेपन को दूर करने में डीएम इनायत खान की कोशिशों की सराहना की है। उन्होंने शेखपुरा में कुपोषण के क्षेत्र में किए गए बेहतर काम को सराहा और कहा कि अति पिछड़े जिले की आकांक्षी जिले के रूप में चिन्हित करने में यहां बेहतर काम होने लगा है। पीएम ने माना है कि युवा जिलाधिकारी इनायत खान द्वारा बेहतर काम करने से ही बिहार के शेखपुरा जिले में बदलाव हुआ है। वहीं डीएम इनायत खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी को बताया कि अभिसरण के तहत उन्होंने राज्य और केंद्र के विविध योजनाओं पर अंतर विभागीय सहयोग और समन्वय स्थापित कर सुनियोजित कार्यान्वयन किया है।
अब यहाँ शिफ्ट हुआ पटना का स्मार्ट सिटी ऑफिस। राजधानी पटना में स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस का पता अब बदल गया है, क्योंकि पटना के स्मार्ट सिटी ऑफिस के स्थान को बदलकर अब इसे ICCC भवन में शिफ्ट कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार ICCC भवन की चौथी मंजिल पर स्मार्ट सिटी का कार्यालय शिफ्ट हो चुका है। अब यहीं से बैठकर अफसर स्मार्ट सिटी की योजनाओं आदि की मॉनिटरिंग करेंगे। एक ही भवन से कई व्यवस्था की निगरानी की जा सकेगी। खबरों की माने तो भवन का पहला, दूसरा और तीसरा तल सर्वर रूम, वीडियो वॉल, संबंधित उपकरण और ऑपरेटर वर्क स्टेशन से लैस होगा। ICCC भवन तैयार हो जाने के बाद अब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी कि इसे उपकरणों और जरूरी संसाधनों से लैस करने का काम शुरू हो गया है, जिसकी जिम्मेदारी LNT को दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी की योजनाएं अब धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी है। बिहार में एक साल में खुले 5 लाख डीमैट अकाउंट। बिहार में लोगों का रुझान शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की तरफ दिख रहा है। यही कारण है कि बिहार में कोरोना काल के दौरान लोगों ने अपनी आय और निवेश के दूसरे स्रोत भी ढूंढ लिए हैं। यही कारण है कि महज एक साल में डीमैट खातों की संख्या में करीब 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही म्यूचुअल फंड, SIP और शेयरों या इक्विटी में निवेश भी बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है, जो रिकॉर्ड निवेश है। वहीं पिछले एक साल के दौरान बिहार में 5 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में ज्यादा निवेश करने का यह ट्रेंड बताता है कि यहां लोग के बाजार में निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम रिस्क लेकर, क्योंकि शेयर बाजार में सीधे निवेश करने से रिस्क फैक्टर भी अधिक रहता है। नीतीश कुमार का रुतबा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल को लेकर एक के बाद एक बड़े बयान दिए जा रहे हैं, जिसके तहत विपक्षी दल बिहार में बढ़ रहे अपराध और मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच अब वरिष्ठ राजद नेता और नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी शिवानंद तिवारी ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं। इसको लेकर ही बीते दिन एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपना रुतबा खो चुके हैं। यही वजह है कि कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है। उनकी पार्टी के अंदर ही कलह सामने आ चुकी है। इधर NDA के घटक दल आपस में लड़ रहे हैं। बिहार NDA के नेता होने के बावजूद नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। स्टेटस की मांग के बहाने करीब आ रहे हैं जदयू और राजद। बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट जब से आई है, तब से ही बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग की जा रही है। यही वो मुद्दा है जिसके कारण जदयू और भाजपा दो फाड़ में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ राजद और जदयू की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। स्पेशल स्टेटस की मांग पर जदयू की तरफ से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष चलन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग दोबारा उठाई है, तो वहीं अब पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये पुरानी मांग है, और हर राजनीतिक दल चाहता है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। जिस तरह से पिछले दिनों नीति आयोग ने बिहार के पिछड़ेपन पर सवाल खड़ा किया था, इससे साफ पता चलता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने 1880 में की। सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया। प्रसिद्ध समाज सेवी मदर टेरेसा का 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। महाराष्ट्र के सतारा स्थित एक देवी के मंदिर में 2005 में भगदड़ मचने से 300 से अधिक लोगों की जान गई। केंद्र सरकार ने 2009 में पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की। 1824 में प्रसिद्ध बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त का जन्म हुआ। 1874 में ब्रिटिश साहित्यकार समरसेट मॉम का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता विजयराज सिंधिया का 2001 में निधन आज के दिन हुआ। आज ही के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। भारतीय टीम जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी, तो टीम को टेस्ट और वनडे सीरीज में पसंदीदा माना जा रहा था। यहां तक कि भारत की टीम पहला टेस्ट मैच जीतने में सफल रही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। खासकर केएल राहुल कभी नहीं चाहेंगे कि उनके करियर में कभी ऐसा समय आए, क्योंकि कप्तान के तौर पर उन्होंने यहां एक टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच हारे, और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 1960 के बाद ऐसा पहली बार है जब कोई कप्तान अपने करियर के पहले मैच को ही हारा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अरुण कुमार, अरविंद कुमार, मुकेश कुमार, रंजीत दास, पूजा कुमारी, शंकर मुखिया, राजकुमार, रामबाबू कुमार, सुजीत कुमार, अमित सिंह, विवश कुमार सिंह, विभा कुमारी, दिव्या भारती, राजीव कुमार, अरविंद कुमार, काजल कुमारी, रंजन कुमार, प्रद्युमन कुमार, प्रेमचंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के मामलों में हो रही गिरावट को क्या जारी की गई पाबंदियों को हटा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।